नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में 39,796 नए मामले आए सामने, 723 लोगों की हुई मौत, 42,352 मरीज हुए ठीक। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 198 अंकों की बढ़त के साथ खुला। शिवसेना को लुभा रही बीजेपी, केंद्र एवं राज्य सरकार में साथ आने का ऑफर। शेयर में एनडीए सदस्य ने की कार्रवाई, 14 प्रतिष्ठानों पर ठोका जुर्माना। महंगाई के विरोध में शोक सभा, युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करवाया मुंडन। लॉकडाउन ने तोड़ी फूड बिजनेस की कमर, मुनाफा कम नुकसान ज्यादा, महंगे सिलेंडर ने बढ़ाया रेस्टोरेंट वालों का टेंशन। रविवार को शहर में मिले 19 नए पॉजिटिव, 2 मरीजों ने गवाई जान। लोगों की भीड़ दे रही तीसरी लहर को आमंत्रण, बाजारों में उमड़ रही भीड़। पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस की बेतहाशा वृद्धि से ग्रामीण जनता परेशान, आसमान छू रहे वस्तुओं के दाम। 78 लोगों को लगाया 60 लाख का चूना, पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।